नमस्कार साथियों, सूर्य नेवी यूनिक्लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बात करें हम लोग लिमिटेशन एक्ट की, तो बात करें हम लोग लिमिटेशन एक्ट की, तो लिमिटेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि आपके लगभग सभी जुडिशरी में आते हैं। जब भी आप स्टडी करते हो तो आपके पास कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका IPC, CRPC, CPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, TP, कॉन्ट्रैक्ट एंड लिमिटेशन, SRA। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ लिमिटेशन नहीं आता, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता, तो ये डिवाइड है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट आपके हमेशा आते रहते हैं, तो एक छोटा सा चर्चा करते हैं लिमिटेशन एक्ट के बारे में। लिमिटेशन एक्ट जब भी आप पढ़ते हैं तो सबसे आपको पता होना चाहिए इसका नाम क्या है। कई बार बच्चे बोलते हैं इंडियन लिमिटेशन एक्ट, जबकि अब इसका नाम इंडियन लिमिटेशन एक्ट नहीं है, वो हट गया। अब इसका नाम सिर्फ लिमिटेशन एक्ट 1963 है, उसका एक्ट नंबर 36। एक्ट नंबर याद करना बहुत ईजी है, 3 को आगे ले आओ, 6 को पीछे ले जाओ, 36 बन जाएगा। तो लिमिटेशन एक्ट इसका एक्ट नंबर 36 है। कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है एक्ट नंबर क्या है, ठीक है। देन आता है इसके पास पार्ट, यहाँ पे पार्ट वर्ड यूज किया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर अगर आपके मुंह से चैप्टर निकल जाए तो भी चलेगा, पार्ट निकल जाए तो भी चलेगा, इसे डजंट मैटर, ठीक है। मैटर है कि इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं। चैप्टर 5 पे टोटल सेक्शन 32 है, एक शेड्यूल है। जो इन दिनों जो क्वेश्चन आप देखेंगे किसी भी स्टेट में, वहाँ पे चैप्टर से क्वेश्चन कम, लेकिन आपके शेड्यूल से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि लिमिटेशन एक प्रोसीजर लॉ है। क्या है, देखो, लिमिटेशन एक प्रोसीजर लॉ है, और किसका प्रोसीजर लॉ है, सिविल का प्रोसीजर लॉ है। वाई सिविल का बोला मैंने, क्योंकि क्रिमिनल का प्रोसीजर लॉ CRPC के चैप्टर नंबर 36 में दिया हुआ है, जो कि आने वाले नए एक्ट के अंदर वो चेंज हो जाएगा। बाकी पहले जो CRPC थी उसके अंदर चैप्टर नंबर 36 में दिया हुआ है, तो एक सिविल का प्रोसीजर लॉ है ये। तो सिविल का प्रोसीजर लॉ में लिमिटेशन पीरियड क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे आपके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करना है, या मुझे आपके अगेंस्ट रिव्यू करनी है, मुझे आपके अगेंस्ट रिवीजन करना है या अपील करनी है, तो एक कुछ टाइम तो होगा ना कि जब मर्जी उठ के चली जाऊंगी, नहीं, उन सबका एक लिमिटेशन पीरियड होता है। 3 साल में करना है, 6 साल में करना है, 12 साल में करना है, तो कब कर सकते हैं। तो लिमिटेशन पीरियड के लिए हमें लिमिटेशन एक्ट पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो देन आता है आपके पास, इसलिए शेड्यूल में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देन आता है आपके पास सिग्नेचर, इसके कब हुए थे, इसके हुए थे 5 अक्टूबर को, और कमेंसमेंट कब हुआ था, 1 जनवरी, यानी नए साल को ये आ गया था। और देन इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में पहले नहीं था, 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये आ गया है। अभी हाल ही में जब मैं MP हाई जुडिशरी का एग्जाम देकर आई, तो एक सवाल आपका लिमिटेशन का शेड्यूल से था। लास्ट टाइम जब RGS का पेपर आया था, तो तीन में से दो क्वेश्चन तो इसके शेड्यूल के अंदर से थे, ठीक है। देन आता है पार्ट नंबर 1, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो देखेंगे सबका पार्ट नंबर 1 यही है जो कि इसका है। और क्या है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 कहता है तो प्रीलिमिनरी हूँ, 1-2 का 2 हूँ। जब आप यहाँ का पार्ट नंबर 1 देखेंगे तो आप एक चीज़ नोट करेंगे, चीज़ ये नोट करेंगे कि आप जब इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ने बैठेंगे, मतलब पार्ट 1, तो वहाँ आपको मिलेगा सूट, अपील, अप्लीकेशन, प्लेंटिव, डिफेंडेंट। अरे ये सब तो हम CPC में पढ़ते हैं, ये यहाँ कैसे आया। यही तो बता रही हूँ मैं आपको कि जब आपने LLB की थी, चाहे कहीं से भी की हो, LLB में जब भी आपके कोर्स में CPC हुआ करते थे, तो CPC के अंदर 5 यूनिट होती थी, 4 यूनिट होती थी आपकी CPC की, और 1 यूनिट होती थी लिमिटेशन की। इसलिए CPC और लिमिटेशन को हमेशा साथ साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि वहाँ प्लेंटिव होता है, वहाँ डिफेंडेंट है, वहाँ डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि प्लेंटिव और डिफेंडेंट यहाँ डिफाइन है, वहाँ सूट इंस्टीट्यूट करते हो, अप्लीकेशन करते हो, डिफाइन ही नहीं है, वो यहाँ पर डिफाइन है। तो CPC पढ़ने से पहले आपको लिमिटेशन पता होना चाहिए, नहीं तो करोगे भी क्या। आप सोच रहे हो प्लेंटिव कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है, डिग्री होल्डर कौन होता है, जजमेंट डेटर कौन होता है कभी, क्योंकि कई बार हम लोग LLB कंप्लीट कर लेते हैं पर हमें वर्ड पता नहीं है। किसी से पूछे तो शर्म और आती है कि LLB कर ले, तुझे तभी नहीं पता है, क्योंकि जनरली 80% बच्चे एक रात पढ़ने वाले होते तो नहीं पता होते। अब 5 ईयर लॉ वाले खुद रिसर्च कर करके पढ़ते से पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा सेक्शन 1 से 2। अब हम यहाँ लिमिटेशन एक्ट किसके लिए आया है, तो बोला मैं आया हूँ सूट के लिए, सूट को हिंदी में बोलते हैं वाद, मैं आया हूँ तुम्हारे अपील के लिए, अपील को अपील ही बोलते हैं, और मैं आया हूँ तुम्हारी अप्लीकेशन आवेदन के लिए। तो जब आप चैप्टर 2 देख रहे हो, सूट अपील अप्लीकेशन, इसका मतलब यहाँ पे केस वर्ड नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है, केस, जिसको हम बोलते हैं मामला। क्या बोलते हैं, जिसको मामला। इसका मतलब हो गया कि ये लिमिटेशन है, कहता है मैं तो क्रिमिनल मैटर पे लागू नहीं होऊंगा, आपको अपने क्रिमिनल मैटर के लिए जाइए CRPC में, वहीं से देख लीजिए, मैं प्योर सिविल के लिए आया हूँ, ठीक है, आ जाओ। कहाँ से कहाँ तक, 3 से 11 तक देखेंगे। अब हमें क्या करनी, काउंटिंग करनी है। आप कितने साल के होंगे काउंटिंग करते ना, तो यहाँ पर भी काउंटिंग करनी है। जैसे कि जब भी आपका जन्म जिस ईयर में हुआ, आप काउंटिंग करते हो, ईयर छोड़ते हो, और कुछ तो महान और आत्माएं होती है 2024 भी छोड़ते हैं, मतलब जिस ईयर में पैदा हो वो भी छोड़ देते हो 2024 भी, और अपने आप को 1 साल कम बताते हैं। और कुछ मेरे जैसे महान होते हैं जो उस दिन भी काउंट करते हैं, आज भी अपने आप को 1 साल बड़ा दिखाते हैं, तो डिपेंड ऑन यू। तो वो ये बताते हैं कब कौन सी काउंटिंग की जाएगी, कब कौन सी काउंटिंग छोड़ी जाएगी, जो पढ़ेंगे 12 से लेकर 24 तक। याद हो गया, 12 2 24 आराम से याद हो गया। फिर यहाँ पे एक नया चैप्टर आ गया, और ये नया चैप्टर ये याद था ही नहीं एक्चुअली, ये तो है इजमेंट एक्ट। जब आपने LLB की तब आपको याद होगा आपने एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ी,
बहुत कम बच्चों को याद होता है, क्योंकि एक रात पढ़ने वालों को तो याद ही नहीं हमने क्या पढ़ा। तो एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है, उसकी लास्ट यूनिट होती है इजमेंट, हिंदी में बोलते हैं सुखाधिकार, सुखाधिकार, सुखाचार। तो वो सुखाधिकार सुखाधिकार नहीं पता, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने एक ऐसा प्रोविजन पढ़ा था अपने जीवन में कि यदि प्राइवेट जमीन पर आप 20 ईयर्स तक रह जाते हो तो वो जमीन आपकी हो जाती है, और आप 30 ईयर्स तक किसी सरकारी जमीन पर रहते हो आपकी हो जाती है, यही आपका सुखाधिकार है। आपको सूरज की रोशनी का अधिकार है, आपको रास्ते पर चलने का अधिकार है, आपको सार्वजनिक पानी यूज़ करने का अधिकार है, आपको हवा का अधिकार है, यही आपका सुखाधिकार है। अब याद आएगा थोड़ा थोड़ा आपने जो कॉलेज में पढ़ा, ये एक चैप्टर यहाँ है एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय पजेशन। ये सब कैसे मिलता है? पजेशन के थ्रू मिलता है। आपके पास अगर किसी घर का पजेशन होगा तो उसके रास्ते का अधिकार होगा, उसमें आने वाली हवा का अधिकार होगा, सूरज की रोशनी का अधिकार होगा। लेकिन जब आपके पास पजेशन नहीं, आप तो सड़क पर रहते हैं, तो कहीं के अधिकार है? सड़क पर तो जो मिल रहा है वो ले लो, नहीं मिल रहा जयराम जी की, तो आता है आपके पास 25 से 27। और देन जब भी कोई कानून पड़ता है, हर कानून के लास्ट में क्या आता है? मिसलिनियस 29 से लेकर 32, इसका है 28 से लेकर 32। तो हर कानून में, मोस्ट ऑफ कानून आप देखोगे मिसलेनियस है, वहाँ पे दिया हुआ होता है, तो इसका 28 से 32 है। तो छोटा सा चैप्टरजेशन है, पहला मैं प्रीलिमिनरी, दूसरा सूट अपील एप्लीकेशन पे लागू होता हूँ, तीसरा उनका कंपटीशन करता हूँ, चौथा मैं उसके ऑनरशिप देता हूँ, और पांचवा कहता हूँ मिसलेनियस हो जाता हूँ। यहाँ पे तो छोटा खत्म हो गया, प्री प्लस मैन फिर भी हर जगह आता है। अब बात आती है इतनी सी नहीं, बात आती है यहाँ से शुरू होती है यहाँ पर। इसके अंदर एक शेड्यूल दी गई, सारी कहानी शेड्यूल की है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि लिमिटेशन एक्ट, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे जब पहली बार उन्होंने क्वेश्चन देखा कि लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 137 किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अनुच्छेद 137 नंबर ए कहता है अपील से, नंबर बी कहता है एप्लीकेशन से, नंबर सी कहता है सूट से, और नंबर डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। जब पहली बार लोगों ने क्वेश्चन दिया तो उनको ले ये लिमिटेशन में अनुच्छेद कहाँ से आ गए, क्योंकि हम लोगों ने तो आर्टिकल कहाँ पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आर्टिकल कहाँ पढ़ते, इंटरनेशनल लॉ में। तो लिमिटेशन में भी आर्टिकल होते हैं, लोगों को पता ही नहीं, अनुच्छेद भी होते हैं। अब कन्फ्यूज, जिनको पता तो आंसर लिख के आ गए। अब दिमाग लगाओ, ये आर्टिकल 137 किससे रिलेटेड है, लास्ट में था यानी एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो ये दिया हुआ कहाँ है, ये दिया हुआ आपके शेड्यूल। तो शेड्यूल कहते हैं भैया मेरे पास टोटल 137 आर्टिकल है, कहीं को ना जो आते हैं अपने पास एग्जाम तो वहाँ पे आर्टिकल बोलते हैं उसको, कई जगह इसको सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट नंबर बोलते हैं, तो कई जगह इसको आइटम नंबर बोलते हैं, लेकिन बेसिकली आर्टिकल कहलाते हैं। तो टोटल 137 आर्टिकल है जो तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला आता है आपके पास सूट, दूसरा आता है आपके पास अपील, और तीसरा आता है आपके पास एप्लीकेशन। सूट जो है वो आता है आर्टिकल 1 से 113, अपील आता आपके पास 114 से 117, और देन 118 से 137। अब इतने सारे को कैसे याद करोगे, क्योंकि अभी भी मैंने कहा कि हर एग्जाम में, आप इंडिया का कोई एग्जाम देने जाओ जहाँ पे लिमिटेशन एक्ट का अगर प्री में आता है तो डेफिनेटली वो आपसे टाइम पीरियड पूछेंगे, तुमको याद कैसे करोगे, उसकी भी ट्रिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक को कैसे याद करोगे, जैसे मान लीजिए अकाउंट से, तो अकाउंट को मैंने डिवाइड किया, ये दिया हुआ 1 to 5 दिया हुआ है, ठीक है, और 3 ईयर से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, आपने डिक्लेरेशन भी कर लिया, डिक्री इंस्ट्रूमेंट भी कर लिया, सब में 3 साल। लेकिन जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं चैप्टर 5 की, तो वहां पे आप देखेंगे 3 साल भी है, 12 साल भी है, 30। अब इनको कैसे याद करेंगे, तो इनकी भी ट्रिक होती है, ताकि टाइम बचा के हम इसको याद कर हमेशा के लिए याद रह सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों के फाउंडेशन बैच चलते हैं, और इन ट्रिक को सीखने के लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच में प्री प्लस मैन लिमिटेशन पढ़ने के लिए, और इंडिया के किसी भी जुडिशरी के कोर्स को पढ़ने के लिए आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी अधिक जानकारी के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस चलते हैं, बैचेस का टाइमिंग क्या रहता है, कोर्स का फीस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इन सब के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर इस पर दिया हुआ है। आज के लिए